अपनी छाया मेरे पोते से हटा लो। देखो आज उसका जन्मदिन है, हंसने का दिन, क्यों उस मासूम को मजबूर कर रहे हो रोने के लिए? हाँ उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भगवान के लिए चले जाओ यहां से, यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। ये सतिया ने सैया जी बताया अपने पति को? अरे वाह क्या बात है, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम इतनी भोली कब से हो गई अंजलि? भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपने नए नवेले पति को अपने खुफिया पतियों की लिस्ट पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? नहीं। मैं जानता, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम तरका दोगी। वैसे मेरा एक सजेशन है अंजलि, तुम कहो तो मैं वहां पर आ जाऊं तुम्हारा काम आसान करने के लिए अभी। हाँ मैं इतनी अच्छी तरह से उसे समझाऊंगा, इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि फिर तुम्हें कभी किसी को भी अपना पति मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम यहां नहीं आओगे? देखो तुम यहां बिल्कुल नहीं आओगे। ठीक है तो तुम ही यहाँ चली आओ ना, तुम यहाँ जाओ और मेरे चेहरे पर 70 लाख का प्लास्टर चिपका दो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खुद को हल हो जाएगी। और अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे उन खुफिया पतियों की लिस्ट में आ जाऊं। लेकिन पैसे मिलते ही सारे सबूत मुझे दे दोगे ना? अरे तो ले लेना भाई, तुम्हारी फैमिली एल्बम रख के मैं किसे याद करूंगा? ठीक है पहुंच जाऊंगी मैं। सत्तर? हाँ उसने पूरे 70 मांगे हैं अभी और इसी वक्त। अब 70 तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये 68 रुपए और 8 आने निकल आएंगे। 2 रुपया तो आपके पास भी होगा? यहां मेरी जान पर बनाई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो क्या करूं मैं, आपकी ये समस्या है ही इतनी विशाल कि कोई हल ही नहीं निकलता। अब जब हार होनी ही है तो क्यों ना उसका मजा ले ले। ठीक है तो तुम यहां बैठे बैठे मजा लो, मैं इसका हल निकालूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप नाराज बहुत जल्दी होती हो यार, मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इस विशाल समस्या का हल हम विशाल को ही क्यों ना बना लें। मतलब ये कि विशाल की अलमारी में 1 रुपया तो होगा ही, और विशाल की मौत के बाद दीमा उन रुपयों का नाश्ता बना के खा रही हो, तो जब दीमा की उन नोटों को खा रही है तो आप क्यों पीछे रहे? आप क्या कम है? आपका तो हक बनता है, धो लीजिए बहती गंगा में हाथ। लेकिन अमर तो मुझे उस घर के अंदर घुसने भी नहीं देगा। संतराम का भी इलाज है मेरे पास। है? क्या मुझे बताना है? जस्ट टेल मी द आइडिया। एक बात पहले बता दूं, आपकी इन दिमागी कलाबाजियों में आखिरी बार मैं आपका साथ दे रहा हूं, आखिरी बार। आप तो एक अच्छे खासे शरीफ आदमी को बदमाश बनाने पर उतारू हैं जी। यस हुज इट? विक्रम घर पे नहीं है, और मुझे पता है कि माँ जी भी एक दिन के लिए आश्रम गई हैं। हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। हम दोनों के बीच आज रात कोई नहीं होगा। हम दोनों के बीच हमारे संस्कार हैं, और मेरे संस्कार मुझे
किसी पराई औरत को मिलने की इजाजत नहीं देते। पराई औरत? जिस औरत के साथ तुम तन मन से एक हुए थे उसे तुम पराई औरत कह रहे? मुझे तो तुम इतने अपने लगते हो, तुम्हारे सामने मुझे अपना पति भी पराया लगता है। तुम कल में जी रहे हो अंजलि, आज तुम शादीशुदा हो और मैं भी सरिता के साथ अपना घर बसाने जा रहा हूं। तुम सरिता के साथ शादी कर रहे हो? हाँ। सरिता? क्या हुआ अंजलि? अमर मेरा सर फटा जा रहा है। मैं जब से तुमसे जुदा हुई तब से अक्सर होता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई मरहम ले गया। हाँ प्लीज। इस बार मैं सिर्फ इसलिए झुक गई हूं क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत चाहता है और जो आदमी मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए उसकी खातिर चंद रुपयों की हड्डियों को हर महीने किसी कुत्ते के सामने फेंकने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अंजलि कि तुम्हें ऐसा बेवकूफ पति मिला है जो तुम जैसी सूपनखा को सीता समझता है। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हारी प्रजा का यह भिखारी कहीं थड़क ना जाए, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि प्रजा के बहकावे में आकर राजा राम की सीता को वनवास भेजने पर मजबूर हो गए थे। ठीक है, तो तुम अपनी भिखारी की औकात में ही रहना और अगले महीने अपनी भीख का कटोरा लेकर मेरे सामने आना। अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे। वाह वाह प्राणनाथ, कमाल हो गया, अब तो मेरी मर्सिडीज आ ही जाएगी। कितने हुए? 69 हैं, 50 कम लगते हैं।
अरे कमीनी। अरे सुनो, कहाँ जा रहे भाई? ये भी कोई बात हुई है? मैंने इतनी मेहनत से गाजर का हलवा तैयार किया और काजू किशमिश लेकर तुम फुर जा रहे हो? हल करते हो यार। देखो एक बात बता रहा हूँ, 50 लाख से एक पैसे कम में नहीं मानूंगा मैं। तू कहे तो 50 लाख जूते तेरे मुंह पर रसीद हो। मत भूल बेटे, तेरे जुर्मों की लिस्ट अंजलि के पतियों की लिस्ट से कहीं बड़ी है। अगर मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीस पीस कर अपनी किस्मत पे रोते रहोगे। तेरे लिए तो आजादी की एक सांस भी बहुत बड़ी रकम है। गंदे नाली के कीड़े, गली के कुत्ते, हराम के। अरे छोड़, समझ गया। ये बात बात पर चौपाइयां और दोहे क्यों गाने लगते हो? अरे क्या कर रहा है? अब आराम से बैठना ठीक है। ठंका लगता है। किसी अनुराधा का नाम ले रहा था और मुझे पता लगाना है कि आखिर ये अनुराधा है कौन। उसके बाद तुम्हें ये पता लगाना है कि ये अनुराधा दिखती कैसी है, बोलती कैसे है और काम क्या करती है। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है और ये जानने की कोशिश करनी है कि वो आखिर विक्रम को किस तरह जानती है और कितना जानती है। उसके बाद तुम्हें गहराई में जाकर इस बात की खबर लेनी है कि उसका और विक्रम का रिश्ता किस हद तक पहुंच चुका है और फिर उसके बाद बस मोहतरमा, मैं ठहरा शुद्ध शाकाहारी बाल ब्रह्मचारी आदमी, आप कहां बेचारे कबीरदास को उस मेंढका के जाल में धकेल रही हैं? यहां मेरा पति मुझसे छीना जा रहा है और तुम्हें अपनी पड़ी है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सारे फेवरेट टॉयज, इसे अच्छी तरह से गिन लो। एक भी ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत प्यारी लगती हो ना, उसे भूल मत जाना। हेलो, तुम खुश हो? अरे हंस दो यार, मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं हंसे। मम्मी तुम्हारे साथ नहीं जा रही इसलिए ना। तुम ही बताओ मम्मी कैसे जाएगी, तुमने तो मम्मी से कुट्टी कर रखी। हेलो, सोच लो, अब भी वक्त है, मम्मी को साथ ले सकते हैं। मम्मी को साथ ले चले हैं? नहीं, मुझे खाली मम्मी नहीं चाहिए, मम्मी और पापा दोनों चाहिए। देखो मैं
अब छोड़, कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा को भूल जाते हैं, हम दोनों दोस्त को मस्ती करेंगे, मजे मारेंगे, ओके? ओके। या दैट्स लाइक अ प्रे फॉर, ठीक है? तुम अपना सामान देख लो, पैक कर लो, गिन लो, और जो भी कुछ चाहिए उसे पैक कर लो, ठीक है? मैं अपना सामान चेक करके आता हूँ, राइट? मैं तुम्हें लेने आया हूँ सरिता। माँ जी और कबीर कोर्ट पहुंच रहे हैं। आज हम दोनों की एक रिश्ते में जुड़ने की तारीख है। हाँ। और आज ही मेरे बेटे से मेरा रिश्ता टूटने की भी तारीख है। एक तरफ मैं कदम बढ़ाने के लिए तड़प रही हूँ और मुझे रोका जा रहा है, दूसरी तरफ मैं कदम बढ़ाने से झिझक रही हूँ और मुझे खींचा जा रहा है। जिंदगी ने कि मेरे साथ किस किस्म का इंसाफ किया। मैं जिंदगी के इंसाफ के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता सरिता, उसे कबूल करना ही समझदारी है।